नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सर और जाहिर नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार में आज कावड़ यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। वहीं लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सावन मास के अंतिम सोमवार को यह कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें आसपास के गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं जोरदार कावड़ यात्रा निकाली, जो कि गंगरार के इतिहास में पहली बार चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील गंगरार में कावड़ यात्रा निकाली गई। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ में प्रसिद्ध शेषावतार कलाजी देव पीठ से जुड़े वीर वीरांगनाओं ने कृष्णा शक्ति दल के माता बहनों एवं कल्याण भक्तों द्वारा सावन मास के चतुर सोमवार को कल्याण नगरी में कलाजी की भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। वेद पीठ के प्रवक्ता ने बताया कि 108 कावड़ियों ने सजी धजी कावड़ लेकर केसरिया बाने में आज्ञा संगम महादेव से ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए रवाना हुए, जिनका नगर के विभिन्न मार्गों में नगर वासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कावड़ियों के वेद पीठ पहुँचने पर ठाकुर कल्ला जी का सहस्त्र धारा जलाभिषेक किया गया। वेद पीठ के न्यासियों द्वारा कावड़ यात्रियों का स्वागत करने के साथ ही ठाकुर जी की शिवांश रूप में नमक चमन के साथ सहस्त्र धारा जलाभिषेक कर स्वस्थ खुशहाली की कामना की गयी। चित्तौड़गढ़ से एसपी सुखवाल की एक रिपोर्ट।